गोरखनाथ मंदिर से एक दिया मेरा भी श्री राम के नाम के तहत एकत्रित किए गए दिए के वाहन को द्वारिका तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि बुधवार को गोरखनाथ मंदिर से एक दिया मेरा भी भगवान श्री राम के नाम अभियान के तहत गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया गया, जो कि अयोध्या के दीपोत्सव में प्रयोग किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनता दीपावली के अवसर पर खुशहाली मना रही है। गोरखनाथ मंदिर से दिए के वाहन को रवाना किया गया है, जो कि अयोध्या के दीपोत्सव में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनता दर्शन के लिए जा रही है और सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रामलला मंदिर में विराजमान हो और सभी लोग भगवान राम के दर्शन कर पाए। पीछे हो ये पीछे हो, डाउन करिएगा थोड़ा डाउन। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी योगी सोमनाथ ने कहा, भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम शीघ्र ही होने वाला है। भारत ही नहीं विश्व की जनता दीपावली के अवसर पर खुशहाली मना रही है। गोरखपुर से भी यहाँ से आज रथ गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया गया है। मंदिर के माननीय मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मोदी जी ये कार्यक्रम भव्य रूप से अविलंब कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। शीघ्र ही पूरी जनता, भारतवर्ष की नहीं विश्व की जनता दर्शनार्थ आ रही है, जाती रही है और जाएगी भी। हम सारी पूरी जनता का ये शुभकामना है कि भव्य मंदिर अविलंब तैयार हो, खुशहाली इस दीपोत्सव के अवसर पर पूरी जनता खुशहाली मना रही है। हम सभी लोगों का शुभकामना है कि भव्य मंदिर अविलंब तैयार हो ताकि सभी पूरी जनता दर्शनार्थ जाती रहे। सबसे सर्वप्रथम सभी राम भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूं। दीपोत्सव 2023 के क्रम में एक दिया राम के नाम गोरखपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत विकास परिषद के माध्यम से विभिन्न जगहों पर कलेक्शन पॉइंट बनाकर सभी से दिए कलेक्ट किए गए और आज गोरखनाथ मंदिर परिसर से एक वाहन के माध्यम से सभी दियों को अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है और गोरखपुर शहर और गोरखनाथ मंदिर परिसर और सभी जितने भी राम भक्त हैं, जो भी विशेषकर अयोध्या गोरखपुर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग इस गोरखपीठ से ही प्रशस्त हुआ है। चाहे हमारे महंत दिग्विजयनाथ जी रहे हों, हमारे महंत अवैधनाथ जी रहे हों और हमारे वर्तमान के पीठाधीश्वर जो राम मंदिर निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी के दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दिवाली की और सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, धन्यवाद। जय श्री।